14 सूत्री मांगों को लेकर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपाइयों ने दुर्ग नगर निगम का घेराव किया और आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर शहर में व्याप्त समस्याओं को दूर करने की मांग की। वहीं भाजुमो महिला मोर्चा सहित अन्य मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व वार्डवासी को इन आंदोलन से जोड़ने के लिए कामयाब रहे। शहर में व्याप्त मूलभूत समस्याओं को लेकर भाजपाई कार्यकर्ताओं व पार्षदों सभी मंडलों के अध्यक्षों ने दुर्ग नगर निगम का घेराव करते हुए हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इन सब का नेतृत्व कर रही राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, उषा टावरी व पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर ने दुर्ग नगर निगम गेट पर काफी नारेबाजी की। इस बीच नगर निगम में प्रदर्शन करने पहुंचे प्रदर्शन कर्मचारियों को रोकने की बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन बल पहले से ही तैयार था और भाजपाइयों को कार्यालय के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने काफी भाषणबाजी की, बावजूद इसके वैरिगेट्स को नहीं खोला गया और देखने को मिला कि 3 से 4 वैरिगेट्स को आंदोलनकारियों ने तोड़ दिया। साथ ही प्रदर्शन के दौरान हुई धक्का मुक्की में कई पार्षदों के कपड़े भी फट गए और कईयों के तो तपती धूप व गर्मी के कारण चक्कर व बेहोश होने जैसे नौबत आ गई। बावजूद इसके अपनी मांगों को लेकर भाजपा निगम गेट पर डटे रहे और निगम गेट पर ही खूब नारेबाजी की गई, लेकिन प्रदर्शनकारियों के वाहन को निगम में प्रवेश नहीं दिया गया। अंत में हार कर प्रतिनिधि मंडल के रूप में कुछ भाजपाइयों को निगम में प्रवेश दिया गया, जहां उन्होंने काफी हल्ला गुल्ला के बीच निगम कमिश्नर हरेश मंडावी को अपनी समस्याओं से अवगत कराया और बताया कि शहर में चौतरफा समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। इस बीच दुर्ग महापौर धीरज वाकलीवाल को जन्मदिन मनाना शोभा नहीं दे रहा। 14 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन, जिसमें जल संकट, शहर की सफाई, शहर के विकास सहित अन्य मुद्दों को शामिल किया गया था, उसे सौंप कर भाजपाइयों ने अपना आंदोलन समाप्त किया और चेतावनी के तौर पर मांगों को जल्द पूरा करने आयुक्त को निवेदन किया। प्रदर्शन को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे ने कहा कि हम यहां चुनाव लड़ने नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए और जनता की समस्याओं को लेकर आए हैं। और मैं केवल 90 विधानसभा पर, इसका तात्पर्य ये नहीं है जैसा कि आपके यहाँ पर ट्विस्ट किया, 90 विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ेंगे। मैं 90 विधानसभा पे अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ लड़ूंगी और उन्हें जिताने का प्रयास करूंगी और ये प्रण करती हूँ कि दुर्ग में वापस कांग्रेस नहीं आएगी। लोगों ने कहा है, लोगों ने वॉलेंट्री रिटायरमेंट सिर्फ इसलिए लिया कि उन्हें प्रताड़ित किया गया। हमारे बहुत से जो हमारे पुराने कर्मचारी थे, सरकारें आती जाती रहती हैं और सरकारों को आना जाना रहता है, लेकिन जो लोग हैं उन पर ईमानदारी से काम होना चाहिए, चाहे वो विकास की बात हो। और राजनीति करना है तो बहुत बड़ा फील्ड है, हम तो उन्हें चुनौती देते हैं, आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, आप राजनीति करिए और राजनीति के मैदान पे राजनीति करिए। हम उस मैदान में अगर आपको पटकेंगे तो हमें आनंद होगा। आप टूल क्यों बनाते हो अधिकारियों को? वहीं दुर्ग नगर निगम आयुक्त हरेश मंडावी का कहना था कि जनता की समस्याओं का निराकरण त्वरित किया जाएगा, तो महापौर धीरज वाकलीवाल का कहना था कि भरे कोरोना काल में जब जनता भूख और ऑक्सीजन के लिए भटक रही थी, तब सांसद महोदया कहा थी, अब जब चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है तब जनता की समस्या नजर आ रही है। जो है भारतीय जनता पार्टी के समस्त हमारे माननीय पार्षदगण हैं, माननीय राज्यसभा महोदय हैं और अलग अलग जनप्रतिनिधि हैं, सभी नगर निगम आज आए थे। इसमें मुख्यतः इनके द्वारा 14 मांग रखा गया है। मुख्य रूप से इसमें 14 मांग है, वो सभी जनरल मांग विशेष मांग है और सभी 14 मांगों पर जो है हम अभी विचार करेंगे अपने अधिकारियों के साथ में और सभी को कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी सभी पर, यदि हमारी कुछ कमी है उसे हम पूर्ण करें। मोस्टली जो मांग मेरे को लग रहा है कि सभी में हम कार्रवाई ऑलरेडी पहले से हमारी कार्रवाई जारी है, तो कार्रवाई जारी है तो कार्रवाई जब पूर्ण होगी तो निश्चित उनके मांग भी पूरी हो जाएगी। और जो मांग कुछ नई मांगे जैसे मौखिक बताया निश्चित में वो नहीं है, उस मांग पर भी हम विशेष तौर पर देखेंगे कहीं 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 कोई समस्या आ रही है और सभी को हम प्रयास करेंगे जितनी जल्दी हो सके। दुर्ग शहर की जनता ने उन्हें पहचान दिया, 2 बार महापौर बनाए हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि दुर्ग शहर संकट में था कोरोना काल, तब आप किन वार्डों में घूम के किन किन लोगों की मदद की? आप कहाँ थे?
आपने किसको राशन बांटा, आपने किसको ऑक्सीजन सिलेंडर मदद कराई। मैं ये कहना चाहता हूँ आप इतने बड़े पद में हैं, आपको तो फ्रंट में आके लीड करना था दुर्ग शहर के जब कोरोना काल में संकट में था। मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जो विकास निधि मिलती है सांसद निधि, दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में उन्होंने कितनी दी। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, माननीय विधायक अरुण बोरा जी के मार्गदर्शन में लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। लगभग 150 से 200 करोड़ के कार्य दुर्ग नगर निगम में क्षेत्र में चल रहे हैं। नेहरू नगर से मिनी माता, मिनी माता से अंडा, मिनी माता से अंजोरा, थगड़ा बांध, लगभग 35 करोड़ के काम अधोसंरचना में अंदरूनी सड़कों के चल रहे हैं। दुर्ग शहर लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। अचानक 3-3.5 साल बाद क्यों याद आई। करें हैं दुर्ग नगर निगम पे सैकड़ों की तादाद पे बीजेपी कार्यकर्ता ज्ञापन सौंपने यहाँ आए थे, पुलिस के द्वारा उन्हें रोका गया, काफ़ी बल प्रदर्शन का किया गया। सीधे बात करते हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं से। जी, रोका गया आपको पुलिस द्वारा? आज हम दुर्ग शहर की जनता और हमारी नेता सरोज पांडे के नेतृत्व में नगर निगम का घेराव करने हम निगम कार्यालय पहुँचे। वहाँ पुलिस प्रशासन और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भारी बल संख्या में हमको यहाँ रोका गया और हमको अंदर आने नहीं दे रहा है। बैरिकेड को हम लोग तोड़ के अभी अंदर घुसने का प्रयास किया। धरने में वरिष्ठ कौन मौजूद है आपके नेताओं में प्रदर्शन में? सरोज पांडे, सुश्री सरोज पांडे। वो अभी गेट के बाहर ही उन्हें रोक दिया गया कि अंदर बाहर है? बाकी हम पार्षद लोग 4-5 पार्षद। कौन से वार्ड के पार्षद है? मैं शंकर नगर वार्ड का पार्षद हूँ। वार्ड क्रमांक और आपका नाम? शेखर चंद्रागा, चंडी सीतला मंडल अध्यक्ष और शंकर नगर का पार्षद हूँ। अगर आपको अंदर नहीं दिया जाएगा तो क्या करेंगे, उत्तर प्रदर्शन करेंगे आगे? और अगर हमारे नेताओं को अंदर नहीं आने दिए गया तो हम लोग आगे और बैरिकेड तोड़ के जाने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा इधर दिखाएं, जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो अगर प्रदर्शन कर रहे हैं बैरिकेड तोड़ के, वो अंदर घुस चुके हैं, पुलिस द्वारा उन्हें रोका जा रहा है। सीधा उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं। क्या मांगे आप लोग? क्या मांगे आप लोग? निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप लोग गेट तोड़ के घुसे हैं, आपकी जो वरिष्ठ नेता है वो बाहर हैं, उन्हें पुलिस द्वारा रोका गया? नहीं, रोका गया है, मांगा गया, आग्रह किया गया कि हाथापाई भी हुई है पुलिस द्वारा, हाथापाई भी हुई है, धक्का मुक्की हुई है पूरे कार्यकर्ता। ये इधर दिखाएं, ये देखिए इनका शर्ट फटा हुआ है हाथापाई के दौरान। पार्षद इनको यहीं पे रोका गया। कौन से वार्ड से पार्षद? वार्ड नंबर 12। नाम क्या आपका? अजीत वैद। ये देखिए इनके साथ मारपीट की गई है पुलिस द्वारा, शर्ट इनका फाड़ा गया है और काफी सैकड़ों की तादाद में गेट तोड़ के, बैरिकेड तोड़ के बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ वीणा दुबे की रिपोर्ट।